क्या यार, नाग नजला हो गया, मैं क्या करूं उसको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फीफा स्टड्स पावर्ड बाय वेव्स, क्योंकि नाम ही काफी है। याद रखिएगा, नाम ही काफी है, वेव्स नाम ही काफी है। अब हम शुरू करते हैं, नीदरलैंड्स वर्सेस कतर, योर फेवरेट। कतर फेवरेट है, तो तुम्हारी फेवरेट वर्ल्ड का फेवरेट थी या तुम्हारी तो होस्ट करने के होस्ट ये देखो, तुम पहले क्लियर करना चाहिए था कि तुम्हारी फेवरेट क्यों है। नहीं, मैंने कहा था, मैंने बताया था, मैंने कहा था कि सारे प्लेयर चेंज कर दें तो वो अच्छा खेलेगी, बहुत बैड प्लेयर हैं। पर तुम वो होस्ट थी इसलिए तो नहीं तुमने कहा था फेवरेट है। नहीं नहीं, फारिक टीम है यार। वैसे कतर भी क्वालिफाई तो कर दिया, अंदर घुस भी गई, उसने किया क्या, ना फटिया ना फाड़िया ना कुछ किया। पहला पहली टीम है जिसका वो है बाहर हो गई है, तीनों तीनों मैचेस हार गई है इस तरह से, मतलब कोई पहली टीम है बाहर हुई है आज तक। लेकिन गोल बड़े बुरे खाए हैं। नीदरलैंड तुम्हारी फेवरेट? नहीं, मेरी फेवरेट नहीं है, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट्स, 10 में से एक। नहीं, अच्छी टीम है ना यार, अच्छी टीम है। हाँ, अच्छी टीम है यार। वो नीदरलैंड ने कितना स्कोर किया था? नीदरलैंड का था 2-0, 3-0 नहीं था, 2-0। मेरे से वो एक गोल वो रूल आउट हो गया था लग रहा था 3-0। यार बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, वो एक हैंडबॉल यार इस बार ऑनेस्टली यार जो इनका इंतजाम किया हुआ है, इन्होंने रेफरीज और रूल्स वगैरह रखे हुए हैं, मैं तो फैन हो गया हूँ। ना कोई चीटिंग कर सकता है, ना कोई फाउल बच सकता है, कुछ लेकिन भी नहीं। उस पर भी वो कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल है, मतलब ऑफसाइड के रूल के ऊपर बात कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भी आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर आपको प्लस ये है कि कार्ड्स जो मिल रहे हैं उसके ऊपर भी बात है कि थोड़ा लिहाज करना चाहिए, प्लेयर्स वगैरह को देना चाहिए। अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं तो ठीक है, अगर अच्छा अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो तो एक्शन के ऊपर आप चल भाई, रहे हैं रूल इतना रूल तो होते हो हैं जाता है। इतना तुम ये दो ये ना पॉलिटिशियंस वाली बातें ना किया करो, गेम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ, सही बात करो। रूल्स आर मेंट टू बी इंप्लीमेंट फॉर एवरीवन, ठीक कह रहे वैसे। ठीक है, अब सबके लिए है ना। अब जो जो हार है वो तो रोएगा। हाँ, नहीं है। लेकिन बेचारे नीदरलैंड वालों को यार इतनी मेहनत करने का, यार जो सबसे ज्यादा अफसोस होता है ना, तुम्हें भी पता है, गोल करने के बाद जो वो डिसअलाउड हो जाए ना, और शक्ल खासकर हाँ देखने वर्ल्ड कप वाली। जैसे उसके ऊपर टूर्नामेंट में तो आप बिल्कुल ही हाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। बस लाइक कैसे करता है उसके बाद फिर रेफरी चल निकल, कोई गोल नहीं है, कोई गोल नहीं, कोई गोल नहीं है, तो फिर हाँ। बेचारे। अच्छा, कुछ प्लेयर्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने सेलिब्रेट किया है, उन्होंने अपनी शर्ट भी उतार दी है, येलो कार्ड भी ले लिया, किसी को पहले येलो मिला तो दूसरा भी येलो हाँ मिल गया और बाद में गोल भी रूल आउट हो गया। ये बोले प्लेयर होंगे लीग्स में होता रहा सेकंड शर्ट नहीं पहनते शायद। नहीं, अगर आपने वो जर्सी उतार लिया तो आपको फिर वो कार्ड मिल जाएगा। अब ये रूल भी आ गया, नहीं पुराना है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, तो इक्वाडोर वर्सेस सीगल्स, कौन सा सीगल? सीगल्स सीगल भाई, सीगल्स यार उसी इक्वाडोर ने पहले मैच से लेकर अभी तक फुल टाइम एंटरटेन किया था, लेकिन आखिरी मैच में आके वो भाई, डिसअपॉइंट कर गए सीगल्स बिल्कुल ही। के साथ कोई मुकाबला था उनका? सीगल्स इतने डेंजरस हैं, वो तो बॉल से ऐसे छीन रहे थे जैसे पता नहीं वो खाना नहीं, एक्चुअल सीगल्स फुल खाना फुल छीन चढ़ के डेंजरस खेला है। उन्होंने, फुल चढ़ के खेला, इक्वाडोर बिल्कुल नजर नहीं आई। और क्या कहते हैं, उन्होंने आप सिर्फ ये देखो कि उसका प्लेयर का कॉन्फिडेंस कितना, जब उसने पेनल्टी किया तो उसने बॉल तक को नहीं देखा, ठीक है, वो वो इतने जो आंखें कॉन्फिडेंस बंद के साथ खेल करके रहे एक थे। आंख खोल के हाँ, से मारी ऐसे आंखें बंद कर नहीं, नहीं देख रहा था वो कीपर की तरफ, मतलब गोल की तरफ देखते हुए, उसने बॉल को देखा ही नहीं है। वो ऐसे करता, नहीं, वो नो लुक पास था। नहीं, वो नहीं, उसने उसे बॉल को देखा भी नहीं है, क्योंकि जब आप शूट कर रहे होते हैं आप बॉल को अनइंटेंशनली भी देख यार लेते हैं। सुपर नेचुरल बंदा है क्या, है वो है क्या, उसने गोल कैसे कर लिया? नहीं, बस वो उसको डिसीव करने के लिए कीपर को। हाँ, अच्छा उसको वो अगर नहीं तो आप थोड़ा सा कीपर जज कर लेते आगे बॉडी मूवमेंट से भी, इस तरह से आई कॉन्टेक्ट से भी आप देख कहाँ पर हैं। तो लेकिन येलो वर्सेस व्हाइट था और सीगल्स जीत गई। सीगल जीत गई हैं। उसके अलावा सीगल्स ऐसा नाम क्या, सिनेगल, सीनिगल के सैनिगल या सीगल्स सिनेगल सिनेगल्स भी कहते हैं या सीगल सही नहीं है आपने उन, सीगल्स उन, कहना। उनका देखो एट्रीब्यूट्स देखो ना, सीगल्स वाले बॉल छीनना और उड़ा उड़ा के गोल जो किए ना सीगल उन्होंने, हाँ, ओवरऑल ना बहुत उन्होंने डोमिनेट किया यार कभी तुमने पूरी सीगल गेम। देखी है वैसे? सीगल्स का कभी नेचुरल जोग्राफी में देखा, सीगल्स करती क्या है? इतने गौर से नहीं देखी बहुत अग्रेसिव होती हैं और वो खाने पे टूट पड़े ना, यानी जैसे ये बॉल पे जिसने टूट बॉल पड़ी, पे टूट पड़े ये थे बॉल पे टूट पड़े थे ना, यार। तो ये नहीं छोड़ते, ये बॉल के गोल करके छोड़ते हैं। अब आपको पता है ये चले तो गए हैं आगे, ठीक है, लेकिन आगे जाने के बाद भी ना अब इनके चांसेस बहुत ज्यादा वो कम कम हो हो गए हैं। उसकी रीजन भी लगे क्या?
एक तो उनका जो स्टार प्लेयर था, मतलब वो जो बड़े मैचेस का प्लेयर है, माने, ठीक है, लिवरपूल का जो स्ट्राइकर था, बायर्न म्यूनिख में चला गया, वो उनका बाहर चला गया, ठीक है, वो इंजर्ड हो गया, सही वो तो है। खैर वर्ल्ड कप का पार्ट ही नहीं बना टीम का। और दूसरा कल जिसको येलो कार्ड मिल गया, ठीक है, गए या गए, तो गए गए या गए तुम्हें कौन सा पसंद है? ये उसका प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं गए करके, तुम्हें कौन सा हैं पसंद है? इदरीस गए गए कर लो गए गया गए, तो गए। उसको येलो कार्ड मिल गया। ये कल के मैच में भी ये स्टार प्लेयर था, ठीक है, इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब उसको येलो कार्ड मिल गया, एक उनके माने नहीं खेल रहा, मुझे लगता है कि मैच स्टार्ट होने से पहले इंग्लैंड वैसे ही जीता हुआ है, ठीक है, ठीक है, आगे राउंड ऑफ 16 में, तो बेचारों की किस्मत खराब है, रेफरी को थोड़ा सा वो रखना चाहिए लिहाज, इस वजह से मैं कह रहा था थोड़ा सा रेफरी को यार थोड़ा सा रूल्स सॉफ्ट कॉर्नर आर रखना चाहिए। रूल्स, हाँ नहीं फिर भी थोड़ा सा होना चाहिए यार, मेंट टू बी इतना बड़ा, ब्रोकन, इतना बड़ा। मेंट टू बी ब्रोकन। हाँ, मेंट टू बी ब्रोकन ऑब्वियसली। तो 5 दिसंबर को इनका मैच है इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड जीत जाएगा। मेरे ख्याल से ट्विस्ट आएगा, नहीं मुझे लगता है स्ट्रेट वे इंग्लैंड जीतेगा, वो ये सीगल्स ना इंग्लैंड इंग्लैंड को को रोला लाएंगे। पड़ेगा उसमें जाके क्वार्टर फाइनल्स में जाके। अभी तो उनको वैसी जरा वीक टीम मिल गई है, चलो लेट्स सी, ठीक अभी प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ इंग्लैंड की टीम का, है, लेट्स सी। चलो देखते हैं कौन जीतेगा। वैसे नेक्स्ट बताओ आपके क्या प्रिडिक्शन है राउंड ऑफ 16 में। ये मैं मैं खुद, अच्छा हाँ ठीक है, मैं जीतूंगा या वेव्स जीतेगा, क्योंकि वेव्स का ये नाम नाम ही ही काफी काफी है। है। ओके गाइस कीप वॉचिंग अस, फीफा स्टड्स पावर्ड बाय वेव्स, नाम ही काफी है। उम्मीद है कि हम आपको आज शदीद बोर कर रहे होंगे, पर नो वरीज, आगे एंटरटेनमेंट भी आएगी। थैंक यू वेरी मच। वेव्स, नाम ही काफी है।